मनाली पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जिला कुल्लू के दो दिन के दौरे के चलते भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मनाली पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हेलीकॉप्टर के माध्यम से सासे स्थित हेलीपैड पर पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनका स्वागत किया। उसके बाद वे वाहन के माध्यम से अटल टनल की ओर रवाना हुए। वहीं सोलंग नाला में भी सड़क किनारे ग्रामीणों को खड़ा देख जेपी नड्डा अपने वाहन से उतर गए और ग्रामीणों ने भी फूल देकर स्वागत किया। वीओ इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों का कुशलक्षेम पूछा। वहीं तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडेय भी इस दौरे में साथ रहे। उसके बाद जेपी नड्डा अटल टनल निहारने के लिए रवाना हो गए। वहीं लाहौल घाटी के सिस्सू में भी पारंपरिक परंपरा के साथ ग्रामीणों के द्वारा जेपी नड्डा स्वागत किया गया। दोपहर बाद हेलीकॉप्टर के माध्यम से जेपी नड्डा सासे हेलीपैड से भुंतर हवाई अड्डा पहुंचेंगे। वहीं भुंतर हवाई अड्डा से वाहन के माध्यम से राष्ट्राध्यक्ष जेपी नड्डा कुल्लू के अटल सदन पहुंचेंगे, जहां पर मंडी संसदीय क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गांधीनगर स्थित अपने निवास स्थान पर ही रात गुजारेंगे और मंगलवार सुबह वापस रवाना हो जाएंगे। बाइट जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष। जिला कुल्लू के दौरे पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीआरओ के द्वारा निर्मित अटल टनल को निहारा, तो वही बीआरओ के अधिकारियों से अटल टनल की खूबियों की भी जानकारी ली। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि अटल टनल ने देश की सेना को मजबूत किया है, तो वहीं पर्यटन कारोबार के लिए भी अटल टनल एक नई इबारत लिख गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कहना है कि इससे पहले जनजातीय इलाके लाहौल स्पीति की क्या स्थिति थी, यह किसी से भी छुपी हुई नहीं है। वहीं सेना के जवानों को भी 6 माह तक लेह से जुड़ने के लिए काफी दिक्कतें उठानी पड़ती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्गीय अटल के सपनों को पूरा किया है और इस अटल टनल के बनने से अब से सेना 12 माह देश की सीमाओं से जुड़ी रह सकेगी। वहीं लाहौल स्पीति की वादियों की तारीफ करते हुए अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि लाहौल सच में एक खूबसूरत घाटी है और अटल टनल बनने से यहां पर्यटकों की आमद भी काफी बढ़ गई है। ऐसे में लाहौल की आर्थिकी को मजबूत करने में भी अटल टनल की भूमिका काफी अहम है। वहीं बीआरओ के काम की सराहना करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बीआरओ के द्वारा सीमावर्ती इलाकों में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। सीमांत इलाकों में सड़कों के बनने से देश की सुरक्षा भी काफी मजबूत हुई है। गौर रहे कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की अटल टनल की निहारने की अभिलाषा के चलते कुल्लू मनाली में वीआईपी मूवमेंट बनी हुई है। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कई और नेता अटल टनल देखने के लिए आएंगे। जेपी नड्डा के कुल्लू दौरे पर आने से सियासी पारा भी चढ़ गया है। मंडी संसदीय सीट से उपचुनाव के लिए टिकट के दावेदारों की हाजिरी भी नड्डा के दरबार में लगेगी। बहरहाल टिकट पाने में कौन कामयाब होता है, यह अभी बाद में पता चलेगा। हमारे इंजीनियर्स की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का डिफेंस भी सारे देश से कट जाता था और हमारे डिफेंस को भी बड़ी दिक्कत आती थी सामान को भेजने में और बाकी सपोर्ट सिस्टम्स को मजबूत करने के लिए। लेकिन इस टनल के बनने के बाद हमारा बॉर्डर भी सिक्योर हुआ है, डिफेंस के लिए भी बहुत बड़ा मिशन के माध्यम से हज़ारों किलोमीटर की जो रोड्स बनाई हैं ऑल वेदर रोड्स, उसने बॉर्डर को मजबूती प्रदान की है और यह भी उसी में। कुल्लू से आपका फैसला टीवी के लिए धनेश गौतम की रिपोर्ट।